गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का मोरल साइंस। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 4 यूनिट 2 का सोशल हेल्थ में हमने यहाँ तक पढ़ा था सोशल सेल्फ इस्टीम तक। आज हमें टॉपिक पढ़ना है हाउ टू बूस्ट योर सेल्फ इस्टीम। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। सक्सेस का जो चाबी है वो क्या है? कॉन्फिडेंस है। सम पीपुल आर बॉर्न विद इट, कुछ लोग इसके साथ ही जन्म लेते हैं। सम हैव टू वर्क फॉर इट, और कुछ लोग इसके लिए काम करते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस की वो लोग काम करते हैं। एंड अदर्स डू नॉट नो हाउ टू ऑब्टेन इट, और जो कुछ लोग होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि इसे कैसे पाया जा सकता है। इट इज़ समथिंग आइदर वन हैज़ और डज नॉट, बट कैन ऑलवेज बी अकॉम्प्लिश्ड ओवर अ टाइम। लेकिन ये हो सकता है, किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता है। ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ द स्टफ यू आर गुड एट, आप चलिए लिस्ट बनाइए कि आप किस में अच्छे हो। इट कैन बी एनी थिंग फ्रॉम ड्राॅइंग, सिंगिंग, रीडिंग, इन सारी चीज़ों में, या फिर प्लेइंग टू स्पोर्ट, या फिर गुड जोक बोलने में। इफ़ यू आर हैविंग ट्रबल विथ योर लिस्ट, अगर आपकी लिस्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग अपने मॉम या फिर डैड की हेल्प ले सकते हो। प्रैक्टिस द थिंग्स यू डू वेल, अगर आप प्रैक्टिस करोगे कोई भी चीज़ के लिए तो आप अच्छा कर सकते हो। थिंक ऑफ वेज यू कैन प्रैक्टिस सम ऑफ द थिंग्स यू आर गुड एट एवरी डे, कुछ चीज़ों को आप लोग प्रैक्टिस करो, कुछ दिन आप लोग उसमें अच्छे हो जाओगे। योर मॉम और डैड कैन हेल्प यू प्लान अ वे टू कीप प्रैक्टिसिंग योर स्किल एंड टैलेंट, और आपके जो मॉम है और जो डैड है वो आपकी हेल्प करेंगे प्लानिंग करने में, प्रैक्टिस करने में, ताकि आपका जो स्किल है, टैलेंट है, वो उभर के आ सके। सेकेंड है टर्न आई कांट इन टू आई कैन, आप इस चीज़ को फॉलो करो कि मैं नहीं कर सकता हूँ ये मत सोचो, आप ये सोचो कि मैं कर सकता हूँ। डज द लिटिल वॉइस इन योर हेड ऑफन टेल यू आई एम नो गुड एट दिस, आई कांट डू इट, इट्स टू हार्ड फॉर मी, आप ये मत सोचो ये मेरे लिए बहुत हार्ड है, मैं इसे नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए सही नहीं है, आप ये सोचो कि मैं इसे कर सकता हूँ, मैं अगर इसे एक बार ट्राई करूँगा, अगर ये नहीं हुआ मैं दोबारा अगर ट्राई करूँगा तो मैं इसे कर सकता हूँ, मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ। आई कैन गिव इट अ ट्राई, आई कैन हैंडल दिस, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ, आई विल गिव इट माई बेस्ट, और मैं अपना बहुत ही अच्छा दूँगा, आप ये सोचो। इससे आपको जो पॉजिटिव थिंकिंग है उससे आप लोग को हेल्प होगी स्टीम, सेल्फ स्टीम को बूस्ट करने में। ठीक है, थर्ड है ट्राई और बेस्ट, और अपना बेस्ट करने का ट्राई करो। यू कैन फील गुड अबाउट योर सेल्फ वैन यू गिव समथिंग अ गुड ट्राई, अगर आप कुछ अच्छा करने का ट्राई करोगे तो आप खुद के बारे में अच्छा फील करोगे। डू योर बेस्ट एट वॉट एवर यू डू एंड योर सेल्फ इस्टीम विल ग्रो, जो आप करते हो आप इसमें अगर अच्छा करते हो तो आपको अच्छा फील होगा और आपका सेल्फ इस्टीम जो है वो डेवलप करेगा। फोर्थ पॉइंट, स्पेंड टाइम विथ पीपल हु लव यू, जो आपको प्यार करते हैं आप लोग उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। फाइंड टाइम टू डू इंजॉयबल और रिलैक्सिंग थिंग, ऐसा काम करो जो रिलैक्स करे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली के साथ। इट हेल्प्स यू नो यू बिलोंग टू अ ग्रुप, आप उसमें ये समझ जाओगे कि आप लोग एक ग्रुप से बिलोंग करते हो, जो जिसमें कि पेरेंट्स आते हैं, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, लोग जो आपको प्यार करते हैं, ये लोग उसमें आते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट है पिच इन, डू नाइस थिंग फॉर पेरेंट, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छी चीज़ें करो, जैसे खाना बनाने में उनकी हेल्प करो, उनके घर को साफ करो, घर को साफ करो, पेट को खाना खिलाओ। पिचिंग इन बाई डूइंग काइंड, अच्छी तरह से काम करो, हेल्प करो, हेल्पफुल थिंग्स हेल्प यू फील ग्रेट अबाउट योर सेल्फ, अगर हम लोग कुछ अच्छी चीज़ें करेंगे, हेल्पफुल चीज़ें करेंगे तो आप खुद के बारे में अच्छा फील करेंगे। इट हेल्प्स यू रियलाइज दैट वॉट यू डू मेक्स अ डिफरेंस, तब आप को उसे रियलाइज़ होगा कि आप क्यों अलग हो और कौन सा आप काम कर सकते हो। किड्स विथ गुड सेल्फ इस्टीम आर मोर लाइकली टू ट्राई अगेन, और जैसे बच्चे जिसमें गुड सेल्फ इस्टीम होता है वो अच्छी तरह से दोबारा उसे ट्राई कर सकते हैं। दे एक्सपेक्ट टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, वो नेक्स्ट टाइम और अच्छा करने का एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं और भी उससे बहुत ज़्यादा भी। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 4 सोशल हेल्थ, जिसको आज हमने इसकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई है। आप लोग इसे अच्छे तरह से पढ़िएगा, ठीक है। और अब हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर, और क्वेश्चन आंसर करने के लिए आप लोग मॉरल साइंस की कॉपी लीजिए, हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे।
ऊपर में आप लोग डालिए। सबसे पहले चैप्टर 4 सोशल हेल्थ, फर्स्ट क्वेश्चन डिफाइन सोशल हेल्थ। इसका आंसर है सोशल हेल्थ इज वंस एबिलिटी टू फॉर्म मीनिंगफुल पर्सनल रिलेशनशिप विथ अदर्स। क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन सेल्फ इस्टीम। इसका आंसर है सेल्फ इस्टीम इज अ वे ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग अबाउट योर सेल्फ। थर्ड क्वेश्चन हाउ टू बूस्ट योर सेल्फ इस्टीम। इसका आंसर है टू बूस्ट योर सेल्फ इस्टीम। फर्स्ट पॉइंट स्पेंड टाइम विद पीपल हु लव यू। सेकेंड पॉइंट ट्राई योर बेस्ट। थर्ड पॉइंट टर्न आई कांट इंटू आई कैन। फोर्थ पॉइंट प्रैक्टिस द थिंग्स यू डू वेल। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन किड्स विथ गुड सेल्फ इस्टीम। इसका आंसर है फर्स्ट पॉइंट फील गुड अबाउट देम सेल्फ। सेकेंड पॉइंट फील प्राउड ऑफ वॉट दे कैन डू। थर्ड पॉइंट फील लाइक्ड लव्ड एंड रिस्पेक्टेड। फोर्थ पॉइंट एक्सेप्ट themselves इवन when दे मेक mistakes। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन किड्स विथ लो सेल्फ इस्टीम। इसका आंसर है फर्स्ट पॉइंट डोंट फील गुड अबाउट themselves। सेकेंड पॉइंट डोंट थिंक दे आर एज गुड एज अदर्स। थर्ड पॉइंट थिंक मोस्टली बैड थिंग्स अबाउट themselves। थर्ड फोर्थ पॉइंट थिंक निगेटिवली अबाउट themselves। तो ये था हमारा चैप्टर सोशल हेल्थ चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर। आप लोग इसे अपने कॉपी में अच्छे तरह से लिख लेंगे और ये चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे।